कि आप लोग देख रहे हैं, चल ये रहा है कि शादी हमारी हो चुकी है मेरी थपकी से, तो अब धीरे धीरे सारे कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि वो सबके सामने आ रही है बात। अब सबके सामने आ गई है तो बाबूजी जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया सब कुछ किया, आज उनका पूरा भरोसा मुझ पर से हट गया। वो मतलब जिंदा ही मुझे मार चुके हैं, मतलब उनके लिए मैं मर चुका हूँ। माँ को जो चाहिए था वो माँ की इच्छा पूरी हो गई, माँ का मेरा वादा पूरा हो गया। अब बस ये है कि ध्रुव और मेरे बीच की जो तकरार थी वो थोड़ी बढ़ गई। तो अभी आगे माँ की जो इच्छा थी वो तो आपने पूरी कर दी, लेकिन जो बाबूजी हैं उनको कैसे झेल पाएंगे आप, या फिर उनको कैसे फेस कर पाएंगे? झेलना तो खैर नहीं है, फेस ही करना है। बाबूजी को फेस करने की हिम्मत मुझ में अब तो रही नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे मैं उनको समझा सकूँ, अपनी मजबूरी बता सकूँ, ताकि मैं उनका सामना कर सकूँ, क्योंकि वही है एक जो इस घर में मेरे सब कुछ हैं। वैसे मेरा ये मानना है पर्सनली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो लेट्स सी, अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं मानूंगा ही, आगे सबको बताऊंगा कि जो होता है अच्छे के लिए हुआ है, शायद ये इसलिए कोई ना कोई रीज़न होगा इसके पीछे। क्या थपकी मानेगी, क्योंकि थपकी तो ध्रुव से प्यार करती है, क्या थपकी का मानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अब तो हो चुकी है शादी, अब ऐसा और कुछ हो नहीं सकता। तो देखते हैं, अब मुझे भी नहीं पता कि वो मानेगी या नहीं मानेगी, क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं। थैंक यू सो मच एंड